Hey guys, what is up? मैं हूं सचिन भट्ट और आप देख रहे हैं Tech24। सो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्स रिलेटेड नए वीडियोस लेके आते रहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं iPhone 10 वर्सेज हॉनर 7C के ऊपर। इस दोनों का स्पीड टेस्ट करके देखेंगे कौन जीतता और कौन हारता है। सो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार क्या बकवास है, एक इतने महंगे फ़ोन को, इतने पॉपुलर फ़ोन को इस बजट फ़ोन से कंपेयर क्यों कर रहे हो। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी जो एसूस का Zenfone Max Pro M1 था, वो भी एक बजट डिवाइस है, मैंने उसको iPhone 10 से कंपेयर किया था। और मेन कारण यही है कि मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि जो Zenfone Max Pro था उसने iPhone 10 को लगभग टक्कर दिया था। 9900 काटे की टक्कर थी इन दोनों में स्पीड टेस्ट के हिसाब से। अगर देखी जाए, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं अब Honor 7C और iPhone 10 को कंपेयर करके देखने वाला हूँ। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 4GB रैम वाला Honor 7C का वेरिएंट, और जो कि जिसकी प्राइसिंग है 11,999, लगभग 12,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम ऐप को खोल के देखते हैं और देखते हैं कि कौन फास्ट है इन दोनों में। तो ये लगा दिया हमने इंस्टाग्राम, आपने देखा कि यहाँ पे क्लियरली जो विनर है वो iPhone 10 है, iPhone 10 का जो पहले खुला था। अगर आप इसको वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं कुछ मिली सेकेंड्स का, देन यहाँ पे फेसबुक पे आइए और आप देख सकते हो कि फेसबुक के मामले में भी iPhone 10 जो है वो क्लियर विनर निकला। मैंने जिस हिसाब से क्लिक किया, आपने देखा कि जल्दी फेसबुक आराम से iPhone 10 ने खोल दिया। देन यहाँ पे यूट्यूब, क्लियरली आप देख सकते हो कि यूट्यूब के मामले में भी ये iPhone 10 विनर है। देन नेक्स्ट ऐप पे आते हैं हम और देखते हैं कैमरा, देन आपने देखा दोस्तों कि बहुत कांटे की टक्कर थी। देन दूसरे पे आते हैं हम और देखते हैं कि इस बार हमारे पास कौन सा ऐप है। देन यहाँ पे ये आ गया मैं लेके मैप्स, आपने देखा मैप्स भी iPhone 10 में अच्छी तरह खुला और जल्दी खुला, कुछ मिली सेकेंड्स का अंतर था इसमें, मुझे बहुत कम गैप लगा। अगर आप फिर दोबारा फेसबुक, अगर पहले आपने ना देखा हो तो इस बार आप देख लो कि दोबारा से इसने फेसबुक खोल दिया। देन यहाँ पे अब मैं लेके आता हूँ, इसको मैं बूट करने वाला हूँ, इन दोनों डिवाइसेस को बूट करके देख लेते हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं या कौन जल्दी खुलता है। रिस्पॉन्स की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर ये देखते हैं कि किसका जो है वो पावर ऑन जल्दी होता है। तो यहाँ पे मैंने लगभग इन दोनों डिवाइसेस को स्विच ऑफ कर दिया है और एक दो तीन और ये स्टार्ट। तो देखा आपने दोनों का जो लोगो हैं वो स्टार्टिंग में आ चुके हैं और अब देखते हैं कि कौन जल्दी खुलता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि बूट टाइम में कितना गैप रहता है Honor में और iPhone 10 में, जो कि है Asus, जो था Asus वाला डिवाइस था उसमें बहुत कम गैप था, लगभग दोनों ने सिमिलर ही खोला था। तो यहाँ पे iPhone 10 खुल चुका है और Honor का 7C अभी भी खुल रहा है, इसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी पीछे है, ये अब जाके खुला है। तो यहाँ पे आपको 4-5-6 सेकंड्स का आई गैस गैप हो गया यहाँ पे, तो लूज़र यहाँ पे हुआ बूट टाइम में। Asus Zenfone Max Pro था, उसने इसको बहुत टक्कर दिया था iPhone 10 को। अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियोस देख लो। फिर ये सेटिंग खोलते हैं हम, 1, 2 3 यहाँ पे आपने देखा 1, 2, 3 तो बहुत मिली सेकेंड्स का अंतर है, लेकिन मेरे हिसाब से iPhone 10 यहाँ पे भी जीता है। देन ये शटर स्पीड हो गया और शटर स्पीड में भी देख सकते हो कि जो क्लिक करने के साथ साथ में ही iPhone 10 इसको जल्दी ओपन कर कैमरे को जो इमेज है वो ले लेता है और वहीं पे Honor 7C जो है वो पिछड़ जाता है। सो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पे
कोई कांटे की टक्कर नहीं रही दोनों के बीच में। Honor 7C एक लूजर डिवाइस होकर निकला और iPhone 10 विनर, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि होना ही था मेरे हिसाब से पहले ही। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको उस सवाल या सुझाव का मैं कोशिश करूँगा कि अपना उत्तर आपको दूँ। सो सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।